मनिहारी अनुमंडल के अहमदाबाद बबला बन्ना गांव में भीषण अग्निकांड में लगभग 300 परिवार के घर स्वाहा हो गए। कल तक जहां आशियाना दिख रहे थे, अब अधजले मकान कलेजा को झकझोर रही थी। जहां बच्चों की किलकारी की आवाज़ सुनाई देनी चाहिए थी, वहां खामोशी और रोने की आवाज़ गूंज रही थी। पल भर में यहाँ की दुनिया ऐसी बदली कि हर किसी का कलेजा छल्ली हो गया। बिना छत के रह रहे इन अग्निप्रीत का दर्द बिना छत के रह रहे इन अग्निप्रीतों का दर्द बांटने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुनील यादव पहुंचे। लोगों से रूबरू होकर इस गांव के हालात को समझा, जिसे सुनकर हर किसी की आत्मा दुखी महसूस कर रहा है। सुनील यादव ने कहा कि एक चिंगारी ने पूरे गांव को तहस नहस कर दिया। ऐसे में जिला प्रशासन को सामुदायिक किचन और चापाकल की तुरंत व्यवस्था करनी चाहिए। इस भीषण अग्निकांड से जुड़े पीड़ितों को आपदा से जुड़े मदद तुरंत मुहैया कराई जाए। उसके बाद वो खरीद के लाएगा तब ना खिलाएगा। वही के बाद हम बोल रहे हैं कि जब आप सामूहिक किचन चलाने के बाद बोलते हैं कि 10 तो फीवर बोलने का, कम से कम तो चावल का इंतजाम कर देते। अग्नि क्षेत्र का इलाका अभी दौरा किया आपने, क्या देखा आपने, क्या होगा वहाँ से? देखिए, पूरे कटिहार जिला में आग ऐसा लगता है कि इस जिला को ही चपेट में ले लिया है। आज हमने मनिहारी और अहमदाबाद का दौरा किया। बबला बुन्ना गांव है, उसमें तकरीबन 269 लोग प्रभावित हुए और उसके घर में कुछ नहीं बचा, न खाने का बचा, न जलावन बचा, न बर्तन बचा, न सोने का पलंग कुर्सी खटिया बचा, न बिछावन बचा, मतलब कुछ नहीं, तबाही हो गया, मतलब कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी उस घर में पड़ा हुआ है। और जो मंजर हमने देखा वहाँ पर, जो हालात देखा, आत्मा रो दिया। कई जगह गया, बोलबन्ना गया, करीमुल्लापुर गया, क्या नाम कहता है, चिलनिया गया, किशनपुर जगह जो पंचायत पड़ता है उसमें गए। तकरीबन 6 जगह हमने आज दौरा किया और बहुत ही बुरा स्थिति है। हमने सिविल एसडीओ से भी बात किया, उनको कहा है कि आप कम से कम इमीडिएट चापाकल जो है आवश्यकता अनुसार घर जाए, उसके बाद सामूहिक किचन की व्यवस्था हो ही हो, क्योंकि लोग आज भी वहाँ भूखे हैं, उनके रिलेशन वहाँ खाना पहुँचा रहा है, किसी तरह लोग जी रहा है, तो पानी और भोजन तो मिलना ही चाहिए। और सरकार से भी हम मांग करते हैं कि उनको अभी जो अपने तरफ से सुविधा हो सकती है, चाहे कपड़ा का हो, रहने के लिए मान लिया जाए कि जो आवास हो, ये व्यवस्था होनी चाहिए। कटिहार में चुनावी माहौल खत्म हो चुका है, दौरा लेकिन आपका अभी भी जारी है। देखिए, हम लोग जनता से जुड़े हुए लोग हैं, चुनाव अपने जगह में है, जनता का सुख दुख अपने जगह में है, तो जब जब आवश्यकता पड़ती है हम जनता के सुख दुख में हमेशा हाजिर होते हैं। ये मेरा अपना व्यक्तिगत